के प्रति वो क्या जो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए ये किए वो किए। आप तो सबसे पहले तो आप जितने भी देश में बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है बलात्कार से लेके, आप कह सकते हैं कि सिर्फ दो समुदायों के बीच वो लड़वा रहे हैं, इनके पीछे राजनीति है, राजनीति साजिश है, ठीक है। और ये एकदम बीजेपी की साजिश है, चूँकि आप आदिवासी के लिए हर जगह देखिए आदिवासी को हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। राज्य में महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ा है, ये एक तरह का मानसिकता है, इनकी मानसिकता है। अब इनकी मानसिकता में ये चीज़ देख लीजिएगा, जितने भी इस बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर आप नाम गिना सकते हैं। निर्भया आदिवासी का वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। अभी आदिवासी का समाज का वोट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए हैं। द्रौपदी मुर्मू इस घिनौने काम से मैंने देखने को लग रहा है कि वोट बैंक करने के लिए उनको बनाया गया है। इन्होंने अपने पार्टी के कैडर को भी शर्मसार किया है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। विगत वर्ष पहले असम में एक घटना हुआ था जो आदिवासी युवती को लंगा घुमाया गया था। वर्षों से मार्बल्स टाइल्स ग्रेनाइट का बादशाह कृष्णम मार्बल्स की दुकान गौशाला रोड दुमका। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि 3-4 महीना से बीजेपी शासित राज्य मणिपुर का हालत बेकाबू हो गया है, और इन दिनों सोशल मीडिया में जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिस तरह से बर्बरता दो महिलाओं के साथ की गई है, वो एक सुर्खियां बनी हुई है। आखिरकार क्यों बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं के प्रति बलात्कार बढ़ता जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से सुनील हैं, स्टीफन जी हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से मीरू हाजदा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक महतो हैं, कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष रोमी इमाम हैं, और इन सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और एक एक करके सबसे हम प्रश्न लेंगे। आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों बढ़ता जा रहा है? जिस तरह से एक 2014 से पहले एक स्लोगन आया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और अब मोदी ही सरकार में महिलाओं पर दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा अत्याचार? तो हम पहली बात आपसे लेते हैं, आम आदमी पार्टी की जो पूर्व प्रत्याशी रह चुकी है मीरू हाजदा, उनसे लेते हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में? देखिए, बीजेपी जो है वो खुद को देश का दादा समझ रहे हैं, और वो सबसे पहले तो महिलाओं के प्रति वो क्या जो नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए ये किए वो किए। आप तो सबसे पहले तो आप जितने भी देश में बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है बलात्कार से लेके, आपको सारी चीज़ें वो तो बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बीजेपी की ही लोग कर रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है। चाहे वो जितना छुपा ले, वो अब छुपने वाला नहीं है, आप बीजेपी को हटाना ही होगा। आप देखिए, कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश में भी आप देखे हैं, वो आदिवासी के ऊपर जो है एक बीजेपी का जो नेता है वो पेशाब कर रहा था, ठीक है। वो लोग तो आदमी को एक अभी आदमी नहीं समझने लगा, वो लोग को अभी मतलब आप देखिएगा, इसके बाद फिर आप देख लिए वो महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ है उस पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। इसके बाद दिल्ली में भी एक महिला को जो घसीट घसीट के मारा गया है, ठीक है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद आप रांची में भी आप देखे हैं जो बीजेपी की जो मंत्री है, वो महिला मंत्री जो एक आदिवासी महिला को अपने घर में रखी थी, उसको इतना टॉर्चर किया, एक साल तक वो कैद में रखा, वो बेटी बचा बेटी पढ़ा के कन्वेनर, वो कुछ नहीं है। बीजेपी अब बहुत क्रूर हो चुकी है, इसको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब देश में अब मैंने बहुत महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अब खतरे की घंटी मैंने एकदम ऑटोमेटिक सबको दिखाई सुनाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए बीजेपी को हटाना है। और जब आप मणिपुर की घटना, तो ये एकदम उसके लिए कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है, एकदम शर्मनाक है, ठीक है, शर्मनाक है। इस पर मतलब पूरा निंदा करते हैं। चलिए, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हम सुनील जी से पूछते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में खासतौर पर, और ख़ासतौर पर यह देखा जाता है कि बीजेपी के सांसद हो विधायक हो, महिलाओं के साथ प्रताड़ना लगातार जारी है, क्यों आखिर ये बीजेपी मिश्र और बीजेपी शासित राज्यों में इस घटना घट रही है? देखिए, ये जो है बीजेपी शासित राज्य में महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ा है, ये एक तरह का मानसिकता है,
इनकी मानसिकता है। आप इनकी मानसिकता में ये चीज़ देख लीजिएगा, जितने भी इस बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर आप नाम गिना सकते हैं, निर्भया कांड से लेकर के जो सड़क पर घसीटा जाता है, झारखंड में आप सुनीता खाका का नाम ले सकते हैं। ये सारा चीज़ एक चीज़ ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उस दल में कोई सम्मान नाम का कोई चीज़ है नहीं, नहीं बचा है। और जहाँ तक मणिपुर का बात है, ये तो पूरा देश को शर्मसार कर देने वाला बात है। कहीं इसमें बोलने के लिए शब्द नहीं बचा कि बोला जाए कि ये दरिंदगी की हद को पार किया जाता है, कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि मेरे समझ से ये कुकी जनजाति समुदाय जो है एक महिला प्रधान समाज है, और इसमें महिला इसका ये होती है कर्ता धर्ता होती है। कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत एक महिला प्रधान समाज पर महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था, जिस तरीके से इन लोगों ने हरकत किया है। अब तो हम दीपक जी से एक सवाल लेते हैं कि सभी मुद्दों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, 3 से 4 महीना घटना हुआ, सभी मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी मौन धारे हुए हैं। 3-4 महीना से लगातार मणिपुर जल रहा है और अब जाके इस तरह की घटना जो मई में हुई है, अब जाके वीडियो उसका वायरल हुआ है, तब जाके कार्रवाई हो रही है। क्या मानसिकता दिखा रहा है भाजपा का और मोदी सरकार को? सबसे पहले कि आप का जो न्यूज़ चैनल जोहार न्यूज एक नया आयाम लिख रहा है क्षेत्रीयता के आधार पर, और आपका परिश्रम आप समाज को जगाने में बहुमूल्य योगदान दे रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोलने का अवसर दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मणिपुर की घटना पर, प्रधानमंत्री के मौन पर, और जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं उस पर बात करते हैं। मणिपुर में जो ये राजनीति से प्रेरित बिल्कुल नहीं, इसको राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, ये दो समाजों के बीच की लड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, वो जितना अपना अपना गोटी लाल करना है लाल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक कुकी है और एक मितई है। मणिपुर के विधानसभा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि मितई समाज को, वहाँ की जो राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर इसको आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए इसको केंद्र को रिपोर्ट भेजे। इसमें जब ये हाईकोर्ट से डिसीजन आया तो कुकी समाज उद्वेलित हो गया और आगजनी शुरू हो गया। ये दो समाजों का लड़ाई है, और जिसमें आज इतना दूर तक दंगा भड़का है, यहाँ शासन और सत्ता फेलियोर है, इसलिए फेलियोर है कि इसको पहले ही इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए था। और अगर समस्या क्रिएट हो गया था तो सरकार को देन एंड देयर उसको एक्शन में आना चाहिए था, और जो दंगाई है वाजिब में, अगर यहाँ पर राजनीति का रोटी सेंका जा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे से इस समाज के तरफ से राजनीतिक कार्यकर्ता का इस्तेमाल हो रहा है, और विपक्ष के तरफ से भी राजनीतिक कार्यकर्ता को दोनों समाजों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत हो रहा है, और इसका भुक्तभोगी वहाँ की मणिपुर की निर्दोष जनता हो रही है, वहाँ की माँ बहनें हो रही है, और उसका प्रतिफल आज देख रहा है। आज 40 दिन का चुप्पी वास्तविक रूप से यह गलत है। आज जब पूरा दुनिया जान गई मणिपुर का मुद्दा, यहाँ से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके यूएनओ से लेकर के आपका जो है पश्चिम से लेके पूरा दुनिया जब छीछा लेदर हो गया, तब भारत के प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़ते हैं। यहाँ पर मिस मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रशासन फेलियोर है, यहाँ सरकार फेलियोर है, और इसका रोकने का एक ही उपाय है, ये जो टुकड़ा टुकड़ा में जो आप एक एक समाज को आप आदिवासी में शामिल कर रहे हैं, ये गलत है। एक बार में पूरा देश में सर्वे करिए कि आज़ादी के पहले जो रिकॉर्ड है सरकार के पास, अनटंकित लिखित वर्णित और संचित और संरक्षित जो रिकॉर्ड है,
वो जिन जिन समाज और जातियों का रिकॉर्ड संरक्षित और सुरक्षित है उनको एक अमेंडमेंट बना करके, एक बिल बना करके एक साथ पूरा सदन में पेश कर दिया जाए, और जो भी जाति और उपजाति अगर इस सूची से बाहर हो गए हैं और छूट गए हैं अगर नया संविधान लगने के बाद, उसको एक साथ शामिल कर दिया जाए। पूरा समस्या का निदान पूरा देश से एक दिन में हो जाएगा। बाकी मणिपुर की घटना, मितई और जो है कुकी, दो जातियों और समाजों के बीच का लड़ाई है, राजनीति का लड़ाई बिल्कुल नहीं है। चलिए, राजनीति की लड़ाई नहीं है लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। ऐसे में मणिपुर में बता दें कि जो विधायक हैं, लगभग 14 विधायक आदिवासी समाज से हैं, फिर भी आज मणिपुर चल रहा है, रोटियां सेकी जा रही है, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जोहार न्यूज को धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सबको पूरे भारत में बोल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो कुछ नहीं है। आप देखिए, मोदी काल में जितना भी देख रहे हैं, मोदी काल में महिलाओं का सिर्फ उसका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जब कांग्रेस ने सबसे पहला महिला को सम्मान दिया तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भारत का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने ऐसे महिला को सम्मान दिया, भाजपा ने क्या दिया? आप आदिवासी समाज को के भीतर इतना घिनौने काम, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रही, अब दिल्ली में देखिए, असम में भी हुआ था, अब मध्य प्रदेश में भी देखिए, वहाँ पेशाब कर दिया, इसके बाद देखिए अभी मणिपुर में जब एक दो महीना से वहाँ दंगा फसाद हो रहे हैं, सरकार चुप्पी क्यों है? इसमें अगर उसमें ताकत रहता तो वहाँ ऐसा घिनौने काम से नहीं करने देता। और इसमें देखिए, सिर्फ मोदी सरकार में यही होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पिछड़ा दलित आदिवासी सब बांटने का काम, आदिवासी पिछड़ा और दलित को सिर्फ मोदी ने काम किया कि वोट लेने के लिए इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति थे द्रौपदी मुर्मू से आगे रामनाथ कोविंद जी, जो कि वो पिछड़ा से आते हैं, जो जगन्नाथपुरी मंदिर गए थे उड़ीसा, जब उनको घुसने नहीं दिया, रुका गया, और वो जाने के बाद वहाँ कौन सी किया, गंगा जल और दूध से धोया गया उनके लौटने के बाद। तो इनका मतलब भाजपा में सिर्फ आदिवासी का वोट चाहिए, पिछड़ा का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। अभी आदिवासी का समाज का वोट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए हैं। द्रौपदी मुर्मू इस घिनौने काम से मैंने देखने को लग रहा है कि वोट बैंक करने के लिए उनको बनाया गया है राष्ट्रपति, और नहीं तो वो अभी क्यों चुप है? झारखंड के अभी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी क्यों चुप है? इतना यहाँ दिग्गज सब है, अर्जुन मुंडा क्यों चुप है? यहाँ के संसद क्यों चुप है? यहाँ जितने भी हैं सिर्फ आदिवासी पिछड़ा और दलित का वोट लेने के लिए है। और कभी भी भाजपा के यहाँ से आदिवासी चाहे महिला कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता। ये एक ही ऐसा पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई चलने वाला, और जो लाल बहादुर शास्त्री जो बोले थे जय जवान जय किसान, इस तरह युवा भी एक साथ रहने का काम किया है तो सिर्फ कांग्रेस ही किया है। भाजपा जिंदगी में इस जन्म में नहीं कर सकता, और मोदी के पास अभी कोई मुद्दा है ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ लड़ाने का काम करेंगे, वहाँ दंगा फसाद कराने का काम करेंगे। अब देखे रहे अभी जो सामने में जो आया है, अभी इतना बड़ा दंगा, जब राहुल जी भी वहाँ शांत करने हमारे राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो उनको भी रोका जा रहा है। क्यों रुका जाएगा? जब आप में क्षमता नहीं है तो अगला को जाने दे भाई, अगला को क्यों नहीं जाने देगा? जाने दिया जाए उनको भी। अगला को क्षमता ही नहीं है तो किसी को तो जाना होगा और उस माहौल को शांत करना होगा। हम लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। हम बोलना चाह रहे हैं, मोदी जो जितना नारा लगाए हैं ना, वो एकदम बेकार है। आप महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को देश का अभी राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। आप जब राजभवन जब बन गई, उसको वहाँ निमंत्रण नहीं दिया, ठीक है, वहाँ घुसने नहीं दिया, तो ये एक उनका मानसिकता है दृष्टि से वो अभी भी आदिवासियों को देख रहे हैं, और वो आदिवासियों को ख़त्म करने का एक साजिश है, राजनीति साजिश है। और मणिपुर भी जैसे आप कह रहे हैं ना कि वहाँ दो समुदायों का अभी लड़ाई है, दो समुदायों का लड़ाई है मान रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक
जो इंडियन आर्मी का जवान थे, ठीक है, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनका परिवार को भी नहीं बख्शा गया। वो तो देश के लिए वो लड़े हैं ना, देश के सुरक्षा के लिए लड़े हैं, ठीक है, फिर ऐसे भी लोगों को वो कहाँ बख्शा गया है। तो इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ दो समुदायों के बीच वो लड़वा रहे हैं, इनके पीछे राजनीति है, राजनीति साजिश है, ठीक है, और ये एकदम बीजेपी की साजिश है। चूँकि आप आदिवासी के लिए हर जगह देखिए, आदिवासी को हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, और अभी तक जितना भी यहाँ कुछ है, अभी आदिवासी जहाँ शुरू से थे वहाँ पर अभी बोल रहे हैं कि अगर आदिवासी के प्रति उनका सोच नहीं अच्छा नहीं रहता तो कैसे द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है, राष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है, उनसे उनको फ़ायदा लेने का है, ठीक है, अगर इतना ही वो महिला के लिए वो अच्छा चीज़ समझ रहे हैं तो फिर उनको वहाँ राजभवन में क्यों नहीं जाने दिया। चलिए, अच्छा समझ रहे हैं, आदिवासी के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं राजभवन का उद्घाटन में बुलाया गया, सॉरी राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। पूर्वोत्तर जो सात बहनी है, जो मेरा जितना राज्य है पूर्वोत्तर, वो इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरे दूसरे मेरा जितना दुश्मन देश है, चाइना हो गया, फलना हो गया, वहाँ इंटरनेशनल साजिश भी है। पूरा पूर्वोत्तर को चाइना बोलती है कि हमारा भूभाग है, इस बात को समझा गया। पूरा का पूरा असम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जितना भूभाग है, जो चिकन नेक जिसको बोलते हैं, जो 30 किलोमीटर का जो भारत का जो भूमि है जो पूर्वोत्तर को जोड़ती है, पूरा काट करके वो अपने में मिलाना चाहती है। तो कैसे मिलाएगा, जब तक आपको अशांत नहीं करेगा, लड़ाएगा नहीं, जब तक हम लोग दोनों भाई में घर फूटे गंवार लूटे, सीधा सा फंडा है। आप भाई भाई लड़ेगा तो बाहर वाला मजा लेगा, जैसे झारखंड में हो रहा है, महतो और जो है मांझी लड़ रहा है, महतो मांझी लड़ रहा है, मणिपुर का उदाहरण यहाँ आपको मिलेगा। इनको पूछिए कि क्या ये महतो समाज को आदिवासी मानते हैं? अगर ये कांग्रेस में है तो कांग्रेस का राज्यसभा का जो है विधायक दल का ही सांसद का दल का जो नेता है, वो हमारे मुद्दे को सदन में रखते हैं, जोरदार ढंग से रखते हैं। बीजेपी का जो अगर कोई लीडर है तो वो हमारे लोकसभा राज्यसभा में हमारी बात को पेन और पेपर पर लिख कर देते हैं कि महतो समाज जो है आदिवासी है, भारत का रिकॉर्ड में है। कुर्मी महतो समाज यहाँ का आदिवासी है, रिकॉर्ड में है, भारत सरकार रिकॉर्ड में है। 2004 में यहाँ का सरकार जो है अर्जुन मुंडा जब थे मुख्यमंत्री, उसमें पास करके भेजा है। और अभी जो है क्या नाम है उनका जो है बंगाल के जो सांसद हैं राज्यसभा के जो है वो विधायक दल के जो राज्यसभा के जो है नेता हैं कांग्रेस के, वो बार बार अर्जुन मुंडा को घेरे हैं। अब सवाल है कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग लड़ रहे हैं ना भाई, इसलिए दूसरे को मौका लग रहा है कि घुसने का। तो ये इंटरनेशनल साजिश भी है कि पूरा पूर्वोत्तर को अशांत करके भारत से इसे जो है इसको तोड़ दें। लेकिन सवाल ये भी है ना कि पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, हर बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति अत्याचार बढ़ा है और बढ़ रहा है, घटनाएं हर दिन होती है। ऐसा है, मैं अभी सांसद भी विधायक तक भी बलात्कार कर रहे हैं, चुप है, ब्रजभूषण उसका उदाहरण है। मल्लिका अर्जुन खड़गे केंद्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, उनका स्टेटमेंट अभी जस्ट दो दिन पहले आया है कि मैं जब भी दलित एसटी एससी ओबीसी और महिला पर जब अत्याचार देखता हूं तो मैं राजस्थान पर आकर जाता हूं। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ये सामाजिक समस्या है, इसको काहे नहीं समझ रहे हैं? इसको दलीय आधार पर बांटकर आप निपटारा नहीं कर सकते हैं। मैं यही बात मैं कल बोल रहा था। क्या राहुल गांधी जनेऊ नहीं दिखाते हैं? क्या बीजेपी का जो आरएसएस वाला जनेऊ नहीं दिखाता है? क्या वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं साबित करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उच्च हूँ, तुम नीच हो? ये सामाजिक समस्या है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं खत्म कर सकते हैं। और ये जब तक हम लोग जिस तरह झारखंड कैसे मिला,
झारखंड किस तरह मिला पहले इसको देख लीजिए, एकता से मिला। सबसे पहले झारखंड राज्य आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा जी ने चलाया था, झारखंड पार्टी गठन किए थे, केंद्र ने खारिज कर दिया। क्यों किया? जबकि 28-30 विधायक उनका भी जीत गया था कि ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई है, ये झारखंड अलग नहीं हो सकता, खारिज कर दिया और उनको तोड़ करके एक मिनट मारे तुरंत उसको जो है कांग्रेस में मिला लिया। उसके बाद जब महतो समाज से जब पूरा का पूरा जब विनोद बिहारी महतो जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब खड़ा किया, जब उनका आंदोलन खत्म होने पर जयपाल सिंह मुंडा जी का, तब विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करने के बाद जब झारखंड आंदोलन अब पूरा समाज को जब जोड़ा तो नारा दिया महतो मांझी भाई भाई, ये महतो मांझी मुंडा भाई भाई, बस उसी पर आ रहे कि एक डू भाई माड़ भात खाए। जब तीनों समाज को नारा के माध्यम से, दिल के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से एकजुट किया, झारखंड अलग हो गया। उस क्योंकि सब एकजुट हो गया, झारखंडी परिवार। आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको नहीं लड़ना है भाई भाई, अगर लड़ेंगे दूसरा लुटेगा। और ये इंटरनेशनल साजिश भी है कि पूरा पूर्वोत्तर को चाइना की नज़र गड़ी हुई है कि पूरा जो है ना पूरा का पूरा पूर्वोत्तर हम अपना कब्जा में करके भारत से तोड़। सरकार क्या कर रही है? यदि साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, सरकार क्या कर रही है? मेरा मानना है कि बीजेपी सरकार आने से पहले, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, आने से पहले वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करके इस देश की, हमारे देश की सत्ता पे काबिज हुए, प्लस सीमा सुरक्षा की बात करके वो देश की सत्ता पे काबिज हुए, महंगाई के मुद्दे पर बोलकर वो देश की सत्ता पे काबिज हुए। लेकिन अभी देख लीजिए, विगत कई सालों से जब से उनकी सरकार है तब से महिलाओं के ऊपर में हर राज्य में, जहां जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हुआ है। यहां तक कि बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पार्टी के कैडर को भी शर्मसार किया है, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं। विगत वर्ष पहले असम में एक घटना हुआ था जो आदिवासी युवती को लंगा घुमाया गया था, उस समय भी सरकार जो है बीजेपी की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उन्नाव कांड हुआ, कठुआ कांड हुआ, रातों रात जो है दलित को जो है जला दिया गया, लेकिन उस पर बोलने वाला कोई नहीं है। ये बीजेपी शासित राज्य जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ पर इस तरह की मानसिकता उन लोगों का है और इस तरह की घटना होती है। उसी का एक कड़ी ये भी है, मानते हैं कि दो समाज की ये झगड़ा है, लेकिन वहाँ सरकार किसकी है ये देखिए। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, और ये मामला 83 दिन से चला आ रहा है और सरकार मौन है। सरकार को चाहिए था इस पर एक्शन ले, त्वरित एक्शन ले, और जो आज जो शर्मसार हुई ये घटना, जो पूरा देश, हम लोग का देश, पूरा भारत देश जो शर्मसार हो गया है वर्ल्ड लेवल पर, आज जो है उसका नज़र झुक गया है, ये कहीं ना कहीं जाकर के उंगली उठती है तो ये सरकार के ऊपर उठती है। कहीं ना कहीं उंगली उठती है और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटनाएं भी घटती जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि 2014 के बाद 9 सालों में महिलाओं के प्रति और दलित और आदिवासी के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति जितना अत्याचार बढ़ा है, इससे पहले इतना अत्याचार देखने को नहीं मिला है। किस तरह से तमाम चीज़ों को रोका जा सकता है ये हम जवाब लेंगे। 10 सेकंड में आप लोग दीजिएगा कि समय ज़्यादा हो गया है, पहले आपसे लेते हैं। सबसे पहले मणिपुर का कांड में सबसे पहले एन बीरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरा ये सवाल है कि राष्ट्र है, आदिवासी राष्ट्रपति है, वो चुप है, दूसरा महिला आयोग चुप है, इसके बाद मानव अधिकार आयोग चुप है, ये सारे चुप क्यों है? इस बात पर चर्चा होना चाहिए। और इस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर हमारा समाज इस सरकार में किस दिशा पर जा रही है, आखिर हमारा समाज इस सरकार किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से इस तरह की घटनाएं को रोका जा सकता है? देखिए, इसमें हम तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी के ऊपर इतना पिछड़ा, दलित सब में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और इसमें देखिए झारखंड से लेकर पूरा विश्व, पूरा भारत में देख रहा है कि आदिवासी के ऊपर इतना घिनौना काम हुआ है, तो शर्मसार करके रख दिया है। और यहाँ सलखान मुर्मू भी यहाँ आदिवासी के अपने से बड़ी हस्ती समझते हैं। सलखान मुर्मू भाजपा का टीम है, जो सिंगल अभियान है, जबकि 30 जून को हम लोग यहाँ झारखंड से, दुमका से, और कहा जाए कि असम से, बंगाल से, उड़ीसा से आते हैं, हम लोग भोगनाड़ी का पद यात्रा करते हैं, तो आदिवासी का हस्ती समझने
मुर्मू वो अभी तक चुप क्यों है? अपने आप को आदिवासी समझते हैं? दुमका के सांसद भी सुनील सोरेन वो भी चुप है, झारखंड के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी, केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा सब चुप है। इसमें आदिवासी को और पिछड़ा को सब एकजुट करके मोदी सरकार को भगाने का हम लोग खादने का काम करेंगे। 24 में इसका कोई मुद्दा नहीं है, सब लोग एकजुट तय करके भगाएंगे। इसलिए हम लोग ने तय करके रखा है, मेरा राहुल गांधी अगला पीएम रहेंगे और इंडिया जीतेगा तब देश बचेगा। चलिए, इंडिया जीतेगा तब देश बचेगा, लेकिन घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार है वो भी बढ़ रहा है, रोका कैसे जा सकता है? एक लाइन में इसका जवाब दीजिए, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है उसको रोकने का क्या उपाय है? जब तक मोदी सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार रहेगी, ये महिलाओं के प्रति ये महिलाओं का कभी उत्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि सब पूरा देश पूरा दुनिया सब देख ही रहा है कि हर जगह सिर्फ महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार हो रहा है, मोदी क्यों चुप हैं? और जबकि अब झारखंड से हम लोगों का जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भी अभी चुप हैं, क्यों? जो देश में इतना अत्याचार महिलाओं के प्रति बढ़ गया, कहीं बलात्कार, कहीं मर्डर और बहुत कुछ जो हो रहा है। फिर अच्छा, हम लास्ट ले लेते हैं कि एक लाइन में जवाब दीजिएगा, समय हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है दिन प्रतिदिन बढ़ता अपराध को, खासतौर पर महिलाओं के प्रति? इतना नीचे सोच कैसे हो जाता है कि नग्न अवस्था में घुमाया जाए? सबसे पहले जो मणिपुर की घटना से इतना बड़ा देश और इंटरनेशनल मैटर बना है, पूरे भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है, ठीक है, इसको स्वीकार करने में कतई कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और वहाँ तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, पूरा राज्य को सेना के हवाले करना चाहिए, और सबसे पहले जो वहाँ पर दंगा हो रहा है, आगजनी हो रहा है, गोलीबारी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सबसे पहले उसको रोका जाना, हर हाल में सबसे पहले दंगा को रोका जाए। और ये समस्या पूरा झारखंड में हमेशा आते रहे, पूरा देश में ये समस्या हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये जो मितई और जो दोनों समुदाय का जो झगड़ा है वो आदिवासी बनने और नहीं बनने देने का मैटर है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक बार बिल लाइए, और जो पुराना रिकॉर्ड है सरकार का अंग्रेज के समय का, एक साथ उसको मेंशन करिए और एक बिल में सबको आदिवासी का दर्जा दे दीजिए, समस्या तो खत्म। जो समस्या है उसको लागलेस के हो सकता है, एक लाइन में इसका जवाब दीजिए कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? इस समस्या को जितने भी वहाँ के सामाजिक लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ में एक बैठक होनी चाहिए, उनके साथ में सामूहिक बैठक करके इस पर निर्णय करना चाहिए, इस घटना का सूत्रधार कौन है, कहां से ये घटना हुई, उस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और उन लोगों को सजा देना चाहिए। इस पर जो है अभी तुरंत पूरा देश में सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जितना देश में राजनीतिक पार्टी है उनका जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनको बुलाया जाए, और बुला करके तुरंत जो सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, ताकि इस पर जो राजनीति हो रहा है वो समाप्त हो जाए और उचित कार्रवाई हो और मणिपुर और पूरा देश में अत्याचार रुके। और जहां तक भाजपा का सवाल, ये बात सही है कि भाजपा के आने के बाद ST SC OBC दलित और महिला के प्रति अत्याचार बढ़ा है, ये पूरा सरकारी रिकॉर्ड भी बता रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकारी रिकॉर्ड भी बता रहा है, लेकिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इस लगातार कई महीनों से चल रहे इस अत्याचार, आगजनी, दंगा में पार्टी और खासतौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कहीं ना कहीं फेल्योर है। आज के लिए बन रही आप लोग जवान साथ, धन्यवाद। कृष्ण मार्बल रिया दुकान गोशाला रोड दुमका तिहिंगी सेटेरा कना नोंडे जोतोलिकन मार्बल्स ग्रेनाइट्स टाइल्स बाथ वेयर पाइप फिटिंग सैनिटरी वेयर किचन सिंक और आयमा सामान न्यामो कना मोबाइल नंबर दिसोइता बुनपे 7004593591।